डॉक्टर जाकिर नाइक की एक और बात जो बहुत सरप्राइजिंग लगी वो थी जब उन्होंने पीआईए को क्रिटिसाइज किया और बड़े हार्श वर्ड्स में पब्लिकली इंसल्ट करने की कोशिश की। उनका कहना था कि उन्होंने पीआईए के सीईओ से रब्ता किया, सीईओ ने कहा जी मैं आपका बड़ा फैन हूँ आप हुक्म करें, तो उन्होंने कहा जी मैं आ रहा हूँ 1000 kg मेरा वेट है पाकिस्तान आना है, तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं आप आइए हम आपको 50% डिस्काउंट देते हैं, ये कोई पॉलिसी में नहीं है, फिर भी अपने से बढ़कर 50% डिस्काउंट दे रहे थे। ये बात डॉक्टर साहब को बुरी लग गई, उन्होंने कहा व्हाट इज दिस, देना है तो 100% दो वरना ना दो, छोड़ना तो पूरे पैसे छोड़ो वरना पूरे पैसे लो, ये 50% क्या होता है। अब इस सब सिचुएशन को उन्होंने कंपेयर किया इंडियन एयरलाइन इंडियन अवाम और हिंदू कम्युनिटी से, उन्होंने कहा अगर मुझे इंडिया में कोई हिंदू देख लेता तो वो तो मुझे कहता कि 1000-2000 डॉक्टर साहब का ऐसे जाने दो, पैसे लेने की जरूरत ही नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये है इंडिया। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि पाकिस्तान में ऐसा हुआ, कॉन्स्टेंटली वो ये कहते रहे कि ये है इंडिया, इंडिया की तारीफ करना। तो बड़ी स्ट्रेंज बात है कि यही हिंदू कम्युनिटी इनको इंडिया में 1000-2000 kg तो ले जाने देगी लेकिन अपने मुल्क में पसंद नहीं कर रही है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, आई माइट बी रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं वैलिडेशन या सिंपैथी गेन करने की कोशिश की थी इंडियन अवाम से, इंडियन मीडिया से, कि सी आई कन्फ्रंटेड पाकिस्तान इन पाकिस्तान इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स एज अ स्टेट गेस्ट गवर्नर हाउस में खड़े होकर। तो ऑब्वियसली बात है कि उसका एक इंपैक्ट पड़ना है कि इंडिया गवर्नर हाउस में खड़े होकर आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान को इंसल्ट कर रहे हैं। तो एक सिंपैथी, एक वैलिडेशन गेन करने की उन्होंने कोशिश की क्योंकि उनके ऊपर केसेस भी चल रहे हैं इंडिया में, उनके बैंक अकाउंट भी सीज हुए हुए हैं। ऑब्वियसली बात है ऐसी सिचुएशन में वो पाकिस्तान में हो और फिर वो तारीफें भी शुरू कर दें, इंडिया की कोई बुराई कर दें, ना भी करें और तारीफें शुरू कर दें पाकिस्तान की, तो उनके लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। क्योंकि जब जाकिर नाइक पाकिस्तान आ रहे थे या दौरा उनका अनाउंस हो गया था तो इंडियन मीडिया और इंडियन अवाम ने बड़ा क्रिटिसाइज किया था, और अब जब उन्होंने ये सारी स्टेटमेंट्स दी हैं और पाकिस्तान को थोड़ा बहुत इंसल्ट कर दिया तो उनके लिए चीज़ फनी हो गई है इंडियन मीडिया के लिए, इंडियन अवाम के लिए, कि देखो कैसे डॉक्टर जाकिर नाइक ने पाकिस्तान को इंसल्ट कर दिया। दूसरी बात ये कि डॉक्टर साहब को ये बात क्लियर कर देनी चाहिए थी कि भाई दुनिया की सारी एयरलाइन मुझे फ्री देती है, सिर्फ पाकिस्तान ने मेरे साथ जुल्म किया, तो बात समझ में आती क्या एमिरेट्स इनको फ्री देती है, क्या मलेशियन एयरलाइन को फ्री देती है, सही किया पीआईए ने, कोई इसमें गलत चीज़ नहीं थी। और आपको क्यों चाहिए स्पेशल ट्रीटमेंट, इस्लाम के अंदर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है कि आपको आलिम बन जाए या हाफिज़ बन जाए या कुछ बन जाए, तो आपको क्यों एक स्पेशल अपने आपको फील कराना है, क्यों डिफरेंस या डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करनी है, तो जैसे सब करते हैं उसी पॉलिसी के हिसाब से चले, स्टिल आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा था। एनीवेज दूसरी बात यह है कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो भी गई थी जहां पे आपको 1000 kg वेट लाना था तो समझ में नहीं आ रहा कि 1000 वेट में लेकर के आ रहे थे, और अगर लेकर भी आना था तो गवर्नमेंट के साथ बैठ के पहले से ये बात करते कि भाई मेरा इतना वेट आपने कहीं ना कहीं एडजस्ट कराना है, या फिर उस बंदे से बात करते जो आपका मिडिलमैन हो, जो कंपनी हो जो आपका सारा ट्रिप ऑर्गेनाइज करा रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और आपके दरमियान बैठ के, तो उनके साथ ये बात करनी थी ना। आपने सीईओ से क्यों बात की, सीईओ के गेस्ट तो आप थे नहीं, पीआईए ने आपको इनवाइट किया नहीं था, आप स्टेट के गेस्ट थे, गवर्नमेंट के गेस्ट थे, गवर्नमेंट से बात करते हैं, सीईओ को रब्ता करके वो आप उसको कह रहे हैं कि जी मुझे फ्री कराओ, नहीं कराया तो आपने पब्लिकली इंसल्ट कर दिया उसका,